नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। द रूरल प्रेस डॉट इन देख रहे हैं आप। आप सभी ज़्यादातर लोग घड़ी पहनते होंगे और हम सभी यह भी मानते हैं कि घड़ी की चलनी की सुइयां भी निश्चित हैं, सुनिश्चित हैं और आप सभी इससे वाकिफ हैं। दुनिया भर में घड़ी की सुइयां बाईं ओर से दाईं ओर चलकर समय की जानकारी देती हैं। लेकिन अगर आपसे हम ये कहें कि छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा के पास आदिवासी शक्तिपीठ से जुड़े एक स्थल पर गौण आदिवासी परिवारों की घड़ियाँ उल्टी यानी कि दाईं ओर से बाईं ओर चल रही हैं, तो आप शायद थोड़ा हैरान हो सकते हैं। ये कोई आज की बात नहीं है। जब से यहाँ पर घड़ियों का इस्तेमाल प्रचलन में आया है, तभी से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलने वाली घड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसकी वजह क्या है, ऐसा होता क्यों है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। गौंड समुदाय के आदिवासी परिवारों का कहना है कि उनकी घड़ी ही स्वाभाविक दिशा में चल रही है, जो प्रकृति के नियमों के अनुसार चलती है। उन्होंने अपने समय को गोंडवाना टाइम्स का नाम दिया है। इस विपरीत दिशा में चलने वाली घड़ी के पीछे यहाँ के लोग तर्क देते हैं कि पृथ्वी भी दाएं से बाईं ओर घूमती है, सूर्य, चंद्रमा और तारे भी इसी दिशा में अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। यहाँ तक कि नदी, तालाब में पड़ने वाले भंवर और पेड़ के तने से लिपटी बेल सभी इसी दिशा में घूमती हैं। इसी तरह शादी के समय भी फेरे दाहिने से बाईं ओर घूम कर लिए जाते हैं। इसलिए समुदाय का मानना है कि दुनिया में प्रचलित घड़ियां प्रकृति के विरुद्ध उल्टी दिशा में घूम रही हैं, जबकि वे ही सही दिशा का पालन कर रहे हैं। इसलिए यहाँ की घड़ियों के चलने की दिशा दाएं से बाएं कर दी जाती है, घड़ी के डायलर पेड बदल दिए जाते हैं। इस घड़ी का नाम भी दिया गया है, इस घड़ी को कहा जाता है छत्तीसगढ़ बेरा। प्रकृति की पूजा करने वाले इस आदिवासी इलाके के लोगों का कहना है कि प्रकृति का चक्र जिस दिशा में चल रहा है, वे उसके विपरीत आचरण नहीं कर सकते। इस इलाके में रहने वाले लोग महुआ, परसा और अन्य वृक्षों की पूजा करते हैं। इस क्षेत्र के 10,000 से ज्यादा परिवार इसी उल्टी चलने वाली घड़ी का प्रयोग करते हैं और आदिवासी शक्तिपीठ बुधवारी बाजार से जुड़े आदिवासी समाज के करीब 32 समुदायों में इसी तरह की घड़ी प्रचलित है। अगर आपको हमारा जानकारियों से भरा यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप हमारा वीडियो हमारे फेसबुक या ट्विटर पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो और लाइक कर दें। धन्यवाद।